बच्चा जो है ना गिर गया माथे पे, ये चोटूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर का हाथ है। ये भी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं अपनी मुर्गियों के पिंजरे को। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं नहा के फारिक हुई हूँ, टाइम देख ले 1:30 बज गया और मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे से होकर आई हूँ, ऊपर वॉइस ओवर करने आई थी अपने, और अब मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे जाके फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। आप कहेंगे दोपहर के टाइम में नाश्ता करी, तो मैं नाश्ता दोपहर के टाइम करती हूँ, मैं दो दफ़ा का खाना खाती हूँ। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके जो है जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर होगी, तो करनी कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे नाश्ता है देसी घी वाली रोटी और सालन आलू शिमला। बैलून फटा था कैसे? पानी। आप डॉक्टर हो? नहीं। फिर दाई लिख के दे रही बस, तो फिर इसको दाई को क्या करना है मैंने? अच्छा ओके, अच्छा बताइए दाई का मैंने क्या करना है? आपके ठीक। अच्छा दें फिर दाई मुझे? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है, फिर लिख के दे दें, दवाई से फर्क पड़ जाएगा मुझे? हाँ। ओके और इधर कैमरे को देख के हाय कर दें। हाय डॉक्टर हिबा। मैं तो नहीं हूँ, डॉक्टर वाहिद है। और यहाँ पे छत पे आई हूँ, टैंकी 2 दिन से भर रही है और नीचे पानी जो है वो परनाले से जा रहा है, पाइप से नीचे नहीं जा रहा, इससे पता नहीं चलता कि जी टैंकी भरी है या नहीं। आके मैं देखती हूँ तो यहाँ से ये पाइप जो है वो उतरा हुआ है, ये देखें पाइप की हालत कंडीशन क्या है ये, और ये पाइप उतरा। अब मैं पाइप को काटती हूँ, रिन्यू करती हूँ, फिर इसको लगाती हूँ यहाँ पर ताकि पानी भरे तो नीचे जाए इस तरह। और ये रहा यहाँ पर पाइप, ये ठीक करने की अदना सी कोशिश की है, लगा दी है, गर्म करके चढ़ाया है छुरी के साथ बड़ी मेहनत से, और ये मेरे हाथों की कंडीशन है इस टाइम के, इतने गंदे हो गए हैं। और ये जूता मैंने न्यू लिया था, इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और ये हाथ ऐसा ख़राब हो गया, हाथ गंदे, नीचे जाके धोती हूँ। और ये कुछ छत की कंडीशन हुई है, छत पर हम आते ही नहीं हैं, सफाई करने वाली हुई है। और ये कैमरा मुझे पकड़ना नहीं आ रहा, गंदे हाथ है, सोच रही हूँ बाल गंदा ना हो इस वजह से। लुक एट दिस, दिस इज मी। ये भी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं अपनी मुर्गियों के पिंजरे को साफ कर रहे हैं। दरवाज़ा खोलूँ और चले हम नीचे। और ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर का हाथ है, अब मजदूर के हाथ साफ होंगे। यहाँ पे मेरा बच्चा जो है ना गिर गया माथे पे, ये चोट लग गई है, चोट लग गई है इतना माथा, ये ओहो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। कहना मानते नहीं बच्चे बाबे चोट लगवा के बैठ जाते हैं। और ये बच्चे की जो कंडीशन, माथा सूजा हुआ है पर रोमा डियाना देखनी है इसने। यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया और उसके माथे की हालत देखो जरा, कहना मानते नहीं बच्चे फिर चोट लगवा के बैठ जाते हैं। तो हिबा को सुनाने के बाद अपने स्टूडियो पे आई हूँ, स्टूडियो का मिरर में कितना प्यारा व्यू आता है ना, ये बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, हिबा गिर गई, हिबा को चोट लग गई और चेयर की टेक पे खड़ी थी और टेक को साथ उसने झूले लिए, वहीं टेक ड्रम नीचे और मुँह उसका नीचे लगा है, माथे पे इतना बड़ी उसकी स्वेलिंग हो गई है और बहुत ही मतलब टेंशन बनी। उस टेंशन के साथ व्लॉग भी शूट नहीं कर सकी, मेरा व्लॉग कल भी नहीं आ सका, लाइक वेनसडे को मेरा व्लॉग नहीं आ सका, वो थर्सडे को आया। मेरे आज आई प्रॉमिस कि मैं व्लॉग रेगुलर करूँगी और मेरी पूरी कोशिश व्लॉग रेगुलर करूँ। व्लॉग अपलोडेड था मेरा, जिस थंबनेल की वजह से स्किप हो गया क्योंकि बिजी थी, टाइम नहीं मिला। अभी भी हिबा गिरी तो मैं बिज़ी हो गई, ये बात बच्चे से पता है जब बच्चों कुछ हो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो तवज्जा मांगते हैं, तो बस इसी चक्कर में मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी। छोटा सा व्लॉग है, दूसरा व्लॉग है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और चैनल पर नहीं तो कहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस मेरी बेटी को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा,
नज़र लग गई है उसको, मुझे लगा जैसे वो गिरी है ना, तो एकदम से उसको जो हालत हुई, तो मुझे इतनी प्यारी हरकतें करती है, माँ को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, मुझे लगता है नज़र ही लग गई उसको। तो बस दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।